स्कूल क्रमोन्नत कराने के लिए ग्रामीणों ने की तालाबंदी। एक तरफ सरकार हर घर शिक्षा को लेकर सजग है, वहीं जिले के एक गांव में आज भी बच्चियां उच्च शिक्षा के लिए 6 किलोमीटर दूर तक स्कूल में पढ़ने जा रही हैं। आपको बता दें कि आसन हुडा विधानसभा क्षेत्र के रायला थाना क्षेत्र के गढ़वालों का खेड़ा ग्राम पंचायत के पड़ोदास ग्राम की राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत कराने के लिए आज ग्रामीणों द्वारा तालाबंदी की गई। ग्रामीणों ने गुस्सा जताते हुए बताया कि विद्यालय में लगभग 550 बच्चे अध्ययनरत हैं, लेकिन 8वीं के बाद पढ़ाई के लिए 6 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। उधर छात्र छात्राओं ने बताया है कि बाहर जाने के कारण कितनी ही बार छात्र छात्राओं को बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। ज्यादातर बच्चियों को माता पिता दूर नहीं जाने देते। इस मुद्दे को लेकर पहले भी शिक्षा विभाग, प्रशासन और सरपंच को कितनी ही बार आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी के चलते आज गाँव वालों ने स्कूल को ताला लगाया और कहा, ताला तब तक नहीं खुलेगा जब तक मांगे पूरी नहीं होती। सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए रायला पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। भीलवाड़ा से नव भारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। 5-6 किलोमीटर दूर पढ़ने जाती है, हमारे गांव में कोई साधन नहीं है और हमारे स्कूल में क्रमोन्नत होना चाहिए। जब तक क्रमोन्नत नहीं होगा स्कूल, जब तक हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। हमारे गांव बहुत बड़ा गांव है, यहाँ की आबादी ज़्यादा है, यहाँ की बच्चियाँ 100-150 बच्चियाँ गढ़वाला खेड़ा इधर छोड़ा जाती है, वो आपत्ति आती है उनको जाने आने की सुविधा नहीं। जब तक हमारा ये जो मतलब हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम यहाँ से धरना नहीं उठाएंगे। हमारी मांगे पूरी करो। हम भीलवाड़ा जिले के तहसील हुडा गाँव पड़ोदास से बोल रहे हैं। हमारे 8वीं तक स्कूल होने के कारण हमें बाहर ग्राम पंचायत में जाना पड़ता है। लगभग हमारे 4 किलोमीटर स्कूल दूर है, हमें बारिश में कीचड़ से होकर जाना पड़ता है।